sal. Bemisal. No sal. Bemisal. No sal. Bemisal. No sal. Bemisal. No sal. Bemisal. नरेंद्र मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। अरे देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। अरे महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, देवेंद्र जी जैसा हो। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, देवेंद्र जी जैसा हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नौ साल बेमिसाल। नौ साल बेमिसाल। नौ साल बेमिसाल। भारत का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी चा विजय सो। सभी का नमस्कार और मैं स्वागत करता हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि 30 मई को 2023 में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री के नाते कार्यकाल के 9 वर्ष तक पूर्ण किए। इस 9 वर्ष के उत्सव मनाने के लिए पूरे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 31 मई से 30 जून तक हम महासंपर्क अभियान ये समस्त देश भर में चला रहे हैं। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की ओर से हम जो प्रमुख ऐसे 4 विषयों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करने हेतु आप सभी को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो 9 साल के कार्यकाल को किस तरह से बताना चाहेंगे आप लोगों को और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस 9 साल के पूर्ण होने पर सरकार? सही मायने में हम सब युवा अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि जब देश में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा था और उसी सपने को पूर्ण करने हेतु हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक नया संकल्प लिया नए भारत का, और आज हमारा भारत देश विश्वगुरु बनने के राह पर चल रहा है। इसलिए हम सभी को इस बात का गर्व है, सभी युवाओं को, खास करके मुंबई महाराष्ट्र के युवाओं को। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के इस मुहिम में हम अपना योगदान दें और लाभार्थियों तक और युवाओं तक, खास करके जो देश के भविष्य है उन तक हम आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी के 9 वर्ष के जो उपलब्धियां है, जो सेवा कार्य है, जो विकास कार्य है, जो योजनाएं है, वो आम जनता तक पहुंचाए, इसका एक उत्सव मनाए। इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा है और हम मुंबई में मुंबई युवक मोर्चा के माध्यम से ऐसे 4 प्रमुख कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के प्रत्येक कार्यकर्ता जो 4 प्रमुख कार्यक्रम आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो 9 साल बेमिसाल ये संकल्प को लोगों तक लेके जाएंगे, उसमें से पहला कार्यक्रम है लाभार्थी संपर्क और लाभार्थी सम्मेलन। लाभार्थी संपर्क के माध्यम से हम प्रत्येक मंडल में ऐसे 1000 युवकों के घर पर हम जाएंगे, उन्हें संपर्क करेंगे, उनके घर में जाकर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष की उपलब्धियां है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उन्हें जो हमारे पार्टी के तरफ से पत्रक आया है वो देंगे और निकलते निकलते उनके घरों के बाहर भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर भी लगाएंगे। इस माध्यम से हम पूरे मुंबई में संपर्क करेंगे ऐसे प्रत्येक मंडल में 1000 युवकों को, और साथ ही उनके साथ सेल्फी निकालकर सरल ऐप पे मुंबई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपलोड करेंगे। ये माध्यम से हम लोग लाभार्थियों तक पहुंचने वाले हैं और इसके साथ साथ प्रत्येक मंडल में एक लाभार्थी सम्मेलन होगा, चाहे वो मुद्रा बैंक के लोन के हिसाब से कोई लाभार्थी हुआ हो, चाहे वो लसीकरण का लाभ लेकर कोई लाभार्थी हुआ हो, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड का लाभार्थी हुआ हो, ऐसे मुंबई के सारे युवाओं को इकट्ठा करके मुंबई के 36 विधानसभाओं में युवा मोर्चा के माध्यम से लाभार्थी सम्मेलन किया जाएगा। ये पहला कार्यक्रम जो भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई में किया जाएगा। उसके बाद दूसरा और सबसे ज़रूरी वो है
फर्स्ट टाइम वोटर्स का नोंदनी करना, उन्हें संपर्क करना। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 18 साल से 24 साल का युवा वर्ग है, जो अभी तक मुंबई में वोटिंग लिस्ट में अपना नाम नहीं डाल पाया है, उनको मदद करके हम स्टेशनों के बाहर, हम बोट्स जेट्टी, चाहे मड आइलैंड की जेट्टी हो, चाहे वो गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पर हो, ऐसे युवा मोर्चा के माध्यम से मेट्रो स्टेशन के नीचे, स्लम्स के बीच में, बिल्डिंगों के बाहर ऐसे टेबल लगाकर, मैं मुंबई कर, मेरा वोट मेरा कर्तव्य, इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता 18 साल से 25 साल के जो युवा वर्ग है उनका नाम मतदार नोंदनी में डालने की पूरा प्रयास करेंगे। हमारा टारगेट है कि प्रत्येक मंडल में 3000 ऐसे युवकों को हम जोड़े, उनका नाम मतदान नोंदनी में डालें, और उसके साथ साथ प्रत्येक मंडल में एक फर्स्ट टाइम वोटर्स का सम्मेलन ये हम पूरे मुंबई में करने जा रहे हैं, 36 के 36 विधानसभा में। तो इस माध्यम से हम जो हमारे देश का भविष्य युवा, उनको मतदान यादी में तो उनका नाम डालेंगे, लेकिन उनके साथ साथ संपर्क करके उनका सम्मेलन लेके आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी द्वारा जो युवकों के लिए ऐसी अलग अलग योजनाएं हैं, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एडुकेशन के क्षेत्र में जो मोदी जी ने परिवर्तन लाया है, वो हम युवकों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम मुंबई युवा मोर्चा के माध्यम से होने जा रहा है। तीसरा, बाइक रैली के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा में, यानी कि 36 के 36 मंडलों में ऐसी बाइक रैली निकालेंगे जहां पर प्ले कार्ड के माध्यम से आगे टेम्पो रखकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के उपलब्धियां है उसको उजागर करके लोगों के बीच में नारेबाजी करके एक जागरूकता हम लोगों के बीच में लाएंगे। ये बाइक रैली हम मंडल स्तर पर करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि जहाँ पर हम बाइक रैली की शुरुआत करें उस जगह पर मंच लगाकर हमारा एक शीर्ष नेतृत्व आए और वो हमें युवाओं को मार्गदर्शन करे, वहाँ पर जो भी युवा हमारे साथ में इकट्ठा होंगे। उसके साथ साथ प्रत्येक मंडल में अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो एडुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो अलग कोई एक्टिंग का क्षेत्र हो, ये सब माध्यम में जो युवा जुड़े हुए मुंबई के, ऐसे प्रसिद्ध युवाओं को हम वहाँ पर सम्मान करेंगे, उनका सत्कार करेंगे उस मंच के माध्यम से। फिर वहाँ से बाइक रैली की शुरुआत होगी और पूरे मंडल में बाइक रैली का प्रवास होगा। ऐसे 36 मंडलों में युवा मोर्चा के माध्यम से 9 वर्ष के जो हमारी उपलब्धियाँ है आदरणीय मोदी जी की, ये 9 साल बेमिसाल की ऐसी बाइक रैलियाँ निकाली जाएगी। ये 3 मुख्य विषय हम मुंबई में युवा मोर्चा के माध्यम से करने जा रहे हैं। एक चौथा वो है क्विज कॉम्पिटिशन, चाहे वो स्कूल्स में माध्यम से हो, चाहे वो कॉलेजेस के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी वर्ग 18 साल से लेके 60, 65 साल, 70 साल का वर्ग हो, ये सभी का एक इन्वॉल्वमेंट इस क्विज कॉम्पिटिशन में हो, ये सुनिश्चित करने का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। क्विज कॉम्पिटिशन के माध्यम से मोदी जी के जो 9 वर्ष के सेवा कार्य है, जो योजनाएँ हैं, इसके बारे में सवाल जवाब के माध्यम से एक प्राइस कॉम्पिटिशन रखा जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी हो, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से हम पूरे मुंबई में इसका प्रचार और प्रसिद्धि करेंगे। ये 4 प्रमुख कार्यक्रम हम युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से लेके जा रहे हैं और मुंबई भर में बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, वार्ड स्तर पे, जिला स्तर पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये 4 प्रमुख कार्यक्रम 9 वर्ष आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उत्सव के नाते हम मनाएं। इस कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे, हजारों लाखों लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। हमारा पूरे देश भर में टारगेट है कि 75 लाख लाभार्थी युवाओं तक, खास करके ये युवा मोर्चा पहुंचे, और 36,000 का हमारा मुंबई का टारगेट है। सर, तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उनकी उपलब्धियां गिनाई है, आप बतौर युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं और युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या योजनाएं लाई है, किन लोगों को इसका लाभ हुआ, कितने परसेंटेज युवाओं को, भारत के लोगों को लाभ हुआ, इसके बारे में विस्तार बताइए। देखिए, अगर मैं खास करके मुंबई की बात करूं और हमारे संगठन की शुरुआत की बात करूं, तो जब हमारे संगठन ने पिछले 3.5 साल से युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकाल में, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, तब से हमने कई आंदोलन किए, कई उपक्रम किए युवाओं के लाभ के लिए, लेकिन खास करके चाहे वो मुद्रा बैंक के माध्यम से लोगों को लोन दिलाना हो, या चाहे आदरणीय हमारे मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी द्वारा
जो रोजगार मेला हुआ ये पूरे मुंबई में किया जा रहा है, उसमें युवा मोर्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर हमने ऐसे हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया मुंबई में, प्रत्येक मंडल में अलग अलग जगह पर ये रोजगार के कैंप्स लगाकर, और उसके साथ साथ मुंबई युवा मोर्चा के माध्यम से हमने करियर गाइडेंस शिविर, जो करियर गाइडेंस शिविर के माध्यम से 10वीं और 12वीं के बाद ऐसे युवाओं के लिए करियर ऑप्शंस, उनके जो परिवार के साथ में माता पिता के साथ में बैठाकर उन्हें करियर गाइडेंस के माध्यम से हमने जानकारी दी और किस तरीके से स्कॉलरशिप उनको मिले और किस तरीके से उनको बैंक लोन मिले एडुकेशन के बारे में, इसकी जानकारी भी हमने संक्षिप्त रूप से सभी युवाओं को प्रत्येक मंडल में दी। इसके साथ साथ युवा मोर्चा के माध्यम से हमने जॉब्स ऑन व्हील्स यानी कि रोजगार कट्टा के माध्यम से हमने ऐसी गाड़ी बनाई जो कभी अगर हम लोग रोजगार मिला कहाँ पर करते हैं तो बैंड्रा में किया, तो दहिसर का कार्यकर्ता जब वहाँ पर दहिसर का लड़का आता है तो उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरा प्रयास आना जाना और मेरे 4-3 घंटा मेहनत करना वो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ देती है, तो वो प्रयास उसका ज़्यादा नहीं लगे तो उसके घर तक हम रोजगार लेके जाए, इस माध्यम से रोजगार कट्टा ऐसे हमने इस आयोजन किया, इस निर्माण किया इस कार्यक्रम का, और उसके माध्यम से भी हमने मुंबई में 1780 लोगों को नौकरियां लगाई। तो कहीं ना कहीं युवाओं के जो एक भविष्य की बात है उनके हमारे राज्य सरकार और महाराष्ट्र की सरकार और अपने केंद्र सरकार के लाभ पहुँचाने की बात है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हजारों की संख्या में मुंबई युवा मोर्चा के तरफ से हमने काम किए हैं। हमने 1,07,000 नए मतदाता भी बनाए हैं 2020 से लेकर 2022 तक, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हमने उसकी नोंदनी की है और आगे भी 1,00,000 के ऊपर हमारा टारगेट है। तो ऐसे अलग अलग विषयों में युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहे हैं और हमने सारे सारे लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया और खास करके युवाओं को। देखिए सभी को पता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाल के की है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के जो डेवलपमेंट होना था कि सालों साल से सेम जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से एजुकेशन चल रहा था, तो उसमें नया परिवर्तन लाके कुछ बदलाव लाने की कोशिश की, तो सबसे बड़ा वो बदलाव ही लोगों के मन में, लोगों के जीवन में ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा ही हुआ है। ऐसे नए एम्स कितने सारे बना दिए पूरे देश भर में, उसके माध्यम से मेडिकल एजुकेशन का परिवर्तन आया उसके अंदर, तो ऐसे कितने स्कॉलरशिप्स अलग अलग समाज के लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को स्कॉलरशिप्स दी है, तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन अगर पूरे देश के अगर ग्रोथ के अंदर आया हो तो वो मोदी जी ने एजुकेशन के अंदर अपना योगदान दिया है एक पंतप्रधान जी के नाते, और कहीं ना कहीं इसका लाभ आम जनता को मिला है। बिल्कुल, बीएमसी स्कूलों में शिक्षा सस्ती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी विचार ये है कि उसको अपग्रेड करके जो प्राइवेट स्कूल्स के फैसिलिटी के तरह अगर बीएमसी स्कूल्स को कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वही सस्ती शिक्षा में आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी और बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल पाएगी। इसके लिए हमारे आदरणीय नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ये पॉलिसी बना रहे हैं, और आने वाले दिनों में इतने सालों से आपने देखा कि महानगर पालिका पे साफ बनकर भ्रष्टाचारी नेता बैठे थे, अभी सही मायने में सुशासन दिख रहा है और भ्रष्टाचार मिट रहा है, और आने वाले दिनों में बीएमसी स्कूल्स उनके अंदर इतना परिवर्तन आएगा कि प्राइवेट स्कूल से भी आगे बढ़कर वो उनका एक फैसिलिटीज और उनका योगदान ये एजुकेशन सेक्टर में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बीएमसी स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिंदा जी, जिस तरह से देखा गया कि 9 साल पूरे हो गए मोदी जी के, कहीं कहीं बात आती है युवाओं को लेकर बेरोजगारी की, तो कहीं कहीं क्या अभी तक इनके 9 साल पूरे होने पर कितने लोगों को यहाँ पर नौकरियों की उपलब्धि हुई है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पूरे मुंबई में? देखिए मुंबई में अगर आप मुंबई का इतिहास निकाल कर देखें तो एकमात्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मंत्री है आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जिन्होंने लोगों के रोजगार के बारे में सही मायने में सोचा और घर घर तक वो ऐसे उन्होंने कार्यक्रम लगाए रोजगार मेला हुए कि ताकि आम जनता आसानी से अपनी नौकरियों के लिए वहाँ पर आ सके, और विविध कंपनियों के माध्यम से, क्योंकि मैं खुद उसका साक्षी हूँ, तो विविध कंपनियों के माध्यम से मुंबई करों को पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छे रोजगार की संधि मिली है। और मेरे सामने मैं आपको बताता हूँ
कि मेरे सामने ऐसे लाखों युवकों को नौकरियां मिली है जो कई दिनों से बिना नौकरी के, जब कोविड आया था कोविड के कार्यकाल में बहुत जनों के नौकरियां चली गई थी, तो ऐसे लोग जो नौकरियां नहीं पा पाए थे वो लोढ़ा जी के ये मुहिम के बाद उनको नौकरियां फिर से वापस मिली अलग अलग क्षेत्रों में, और कहीं ना कहीं अपना घर वो चला पा रहे हैं। तो ये लाखों की संख्या में ऐसे युवकों को फायदा हुआ, लाभ हुआ है, और ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में है। पुलिस भर्ती के माध्यम से इतना बड़ा रोजगार लोगों को मिला है पुलिस भर्ती के माध्यम से। ये सब जो चीज़ें बंद थी वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के सुशासन वाली सरकार के आने के बाद परिवर्तन हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे हजारों लाखों युवकों को खास करके महाराष्ट्र मुंबई में ये सरकार का लाभ होगा। और फिर से जो फेलोशिप कार्यक्रम है सीएम का, वो भी शुरुआत हमारे आदरणीय देवेंद्र जी द्वारा की गई है। तो युवकों को पढ़ाई के बाद से ही नौकरी का लाभ मिल रहा है इस सरकार के द्वारा, ये सभी के सामने एक इतिहास और एक अभी वास्तविकता ये सबके सामने उजागर है। प्रथम मी सर्व पत्रकारांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने आज या ठिकाणी मोदी सरकारला 9 वर्ष पूर्ण झाले, त्या संदर्भामध्ये महाजनसंपर्क अभियान हा मुंबईमध्ये आपण युवा मोर्चाच्या माध्यमातून राबवत आहोत, याकरिता पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे। या माध्यमातून आपण मोदी सरकारने जे योजना गेले 9 वर्षामध्ये आपण आणलेल्या आहेत त्या घरोघरी पोचवण्याचं काम युवा मोर्चाला देण्यात आलेलं आहे। यामध्ये युवकांना स्कॉलरशिप असेल, एज्युकेशन म्हणजे ॲब्रॉडला जाण्यासाठी जे एज्युकेशनची फॅसिलिटी असेल, असे विविध योजना युवकांसाठी मोदी सरकारने आत्तापर्यंत दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने देखील बऱ्यापैकी योजना सन्माननीय एकनाथ शिंदेजी, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत देण्यात आलेल्या आहेत। अशा विविध योजनांपर्यंत आपण लोकांच्या घरोघरी पोहोचणार आहोत। या आपले 4 कार्यक्रम आहेत, याच्यामध्ये पहिला कार्यक्रम आहे मतदान नोंदणी अभियान, जे 18 ते 21 युवक त्यांची मर्यादा त्यांना आपण नवीन मतदार नोंदणीच्या माध्यमातून भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून आपण जोडले जाणार आहोत। त्याचबरोबर बाईक रॅलीच्या माध्यमातून जे आपण 9 वर्षाच्या योजना आहेत शासनाच्या, त्या आपण लोकांपर्यंत प्ले कार्डच्या माध्यमातून बुकलेटच्या माध्यमातून आपण पोचवणार आहोत। त्याचबरोबर एक कॉम्पिटिशन आहे, त्या कॉम्पिटिशनच्या माध्यमातून म्हणजे ऑनलाईन कॉम्पिटिशन आपण घेतलेली आहे, त्या माध्यमातून आपण पोचणार आहोत। लाभार्थी म्हणजे जे लाभार्थी आहेत युवक लाभार्थी म्हणजे थोडक्यात आपलं हे जे रेशनिंगचा लाभ असेल, युवकांना वॅक्सिन मिळालं असेल, या याच्यामध्ये मुद्रा लोन असेल, अशा विविध योजना ते लाभार्थ्यांचा आपण एक मेळावा घेऊन त्या ठिकाणी त्यांचा एक सत्कार करणार आहोत।